असलामुअलैकुम, कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, आप बहुत खुश होंगे। आज हम इसे तड़का में बना रहे हैं पिज्ज़ा ब्रेड सैंडविच। सबसे पहले पिज्ज़ा ब्रेड सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसके बाद ये मैंने 1 कप बॉइल्ड चिकन लिया था श्रेडेड, ये डाल के भूनेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा मिक्स है ये। और अब बारी आती है इसमें प्याज शामिल करने की। मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसमें से आधी ना मैंने इस तरह से क्यूबिक शेप में काट ली, ठीक है। अब इसको इतना पकाना है कि प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। जब तक वो पिंकिश कलर में आती है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे मैंने एक आधी बेल पेपर थी वो ले ली है और एक टमाटर था वो भी मैंने आधा ले लिया, तो इसको भी डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए इन सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दी हैं। और अब 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और नमक मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। और अब बारी आती है इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून वर्सेस्टरशायर सॉस, 2 टेबलस्पून ऑलिव्स लिए थे जिसमें से मैं थोड़े से डालूंगी और थोड़े बचाऊंगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते इसलिए मैंने कम ही डाला, ठीक है। ये गार्निशिंग के लिए बचाते हैं। और 1/4 टीस्पून ओरिगानो, अगर आपके पास नहीं है तो आप बेजल लीव्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं। देखिए ये चिकन हमारा रेडी है, अब चूल्हे को करते हैं बंद और देखेंगे कितना अच्छा अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल। अब मैं आप लोगों को इसकी दूसरी रेसिपी की तरफ लेकर चलती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सैंडविच को असेंबल किस तरह से करना है। मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया था, उस पर थोड़ा सा मायोनीज लगाया था और इसको स्प्रेड करना है। उसके बाद यहाँ पे ये चिली गार्लिक सॉस है, ये मैं थोड़ी सी ले रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें। ये जी हमने स्प्रेड कर दी। और जो मैंने चिकन की स्टफिंग आपके सामने रेडी की थी ना वो लगाएंगे इस पे, ये हमने स्टफिंग लगा ली इस पे। और इधर मेरे पास ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ है और चेडर चीज़ है, यहाँ पे ये मोज़रेला चीज़ और ये चेडर चीज़। अब क्या करना है, एक और ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसको इसके ऊपर इसे कवर करना है, ठीक है। और ये जो ये वाली सॉस है ना, ये मैंने शॉर्मे में ना बनानी सिखाई थी, इसमें मैंने सिर्फ क्या किया है क्यूब्स में ना छोटे छोटे ऑमलेट कट्स में ना मैंने कैप्सिकम काट के रखे हुए थे, ठीक है। अब ये डालेंगे इसमें, स्प्रेड करेंगे। ये देखिए मैंने इस वाली स्लाइस पे सावा क्रीम लगा ली थी, अब एक और ब्रेड की स्लाइस रखनी है और उसके ऊपर केचप लगाना है। ये जी हमने केचप लगा दिया इस पर। उसके बाद इसमें जो चीज थी ना ये लगाएंगे, ये चीज़ लगा दी। और इसमें ये एक मैंने कैप्सिकम का फ्लावर काट के रखा हुआ था ये लगाएंगे, ये थोड़ी सी अनियन है ये ऊपर डाल देंगे। और जो मैंने ऑलिव्स बचा के रखे थे ना ये ऑलिव्स पे स्प्रिंकल करेंगे, ये हमने ऑलिव्स रख दिए।
देखिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ऑलिव्स लगा दिया, और अब इस पे ऑरिगेनो स्प्रिंकल करना है। ये हमने ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया, ज़्यादा नहीं करना वरना कड़वा हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा स्प्रिंकल करें। इसी तरह से सारे बनाने, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा मैंने बटर डाला है ताकि जो फ्राई पैन है ना वो अच्छी तरह से ग्रीस हो जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करना है, जो सैंडविच बनाई है ना वो इसमें रखना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, मैंने इसमें यहाँ पे सैंडविच रख दिया है। इसी के बराबर में मैं दूसरा वाला भी रख दूंगी, और इसको तब तक मैं पकाऊंगी जब तक इसकी जो चिकन है ना वो मेल्ट ना हो जाए, यानी इसको 3-4 मिनट्स तक सिर्फ पकाना है, ठीक है। ये देखें 5 मिनट हो गए मुझे सैंडविचेस को रखे हुए, और ये देखें चीज़ मेल्ट हो चुकी है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड सैंडविच की फाइनल लुक। बच्चा पार्टी, आप लोग खुश हो जाओ, मैंने आप लोग की पसंद की चीज़ बनाई है। इसको आप लोग लंच बॉक्स में लेके जाएं, अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।